नमस्ते सर, मैंने एक बार पीएफ का पैसा निकाल लिया, अब मैं दूसरा बार पीएफ का पैसा निकालना चाहता हूँ, तो आखिर मैं कब निकाल सकता हूँ अपना दोबारा पीएफ का पैसा? ये एक सजेशन हमको सिर्फ दे दीजिए कि आखिर हम दोबारा पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, कितना टाइम के बाद निकाल सकते हैं, कितना दिन के बाद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे भाई यहाँ पे कहना है कि इसने यहाँ पे एक बार पीएफ का पैसा निकाल दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे ये दूसरा बार पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर आप कब निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे आज आप पीएफ का पैसा अप्लाई किया, कुछ दिनों के बाद आपका यहाँ पे सेटल हो गया, देन आप यहाँ पे फिर से दोबारा आप कब क्लेम कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद कर सकते हैं, और कौन सी पारा फिर आप सेलेक्ट कीजिएगा, और आप फिर कितना पीएफ का पैसा निकलेगा, ये बहुत सारा पीएफ एमओ का कन्फ्यूजन रहता है, जो कि इनका नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पीएफ एमओ का ये कन्फ्यूजन रहता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि आप पीएफ का पैसा एक बार निकाल लिए हैं तो दोबारा आप पीएफ का पैसा फिर कब निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या यहाँ पे टाइमिंग रहता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, और लाइवपुर में दिखाऊंगा कि आखिर आप पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं और कितना टाइम लगेगा आप दूसरा पीएफ क्लेम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं और आपको पूरा यहाँ पे एपीजेड आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ में मैं अपना अकाउंट को ओपन करके और वहाँ पे आपको डीपली में दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे कितना महीने के बाद, कितना दिनों के बाद यहाँ पे अप्लाई किया हो, ये आपको डिटेल्स में पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, देन यहाँ पे आप टाइम टू टाइम आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। तो उसके लिए दोस्तों मैं अपना यूएन पासबुक को ओपन कर लेता हूं, आपको भी यदि चेक करना है तो आप अपना यूएन पासबुक को ओपन कर लीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा तो ईपीएफओ मेंबर पासबुक का यहाँ पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गया, फटाफट आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड को इंटर करके साइन इन कर लेते हैं। देन साइनिंग के ऊपर में आप यहां पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब यहां पे ये 3 डॉट के ऊपर में क्लिक करके आपको यहां पे क्लेम्स का ऊपर में जाके क्लेम्स डिटेल्स दिखाता हूं कि हमने यहां पे कब कब अप्लाई किया था और कब यहां पे सेटल हुआ, कितने महीने के बाद। तो यहां पे देख सकते हैं मैं जैसे ही सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे क्लेम्स डिटेल्स यहां पे दिखाया जा रहा है, और यहां पे पेंडिंग क्लेम्स जो कि रिसेंटली यहां पे मैं एक क्लेम किया हूं 15 तारीख को, जो कि अभी भी ये पेंडिंग में है, और यहां पे कौन सा यहां पे इलनेस का है ये आपको ध्यान में रख लेना। देन यहाँ पे सेटल्ड हमारा जो हुआ है यहाँ पे इस वाले कॉलम में आ गया हूँ, और यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन से महीने में कब कब यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर आप पीएफ का पैसा दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेंबर्स का यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम क्लेम किया गया है इसका यहाँ पे देख सकते हैं 3रा महीना में यहाँ पे 16 तारीख को किया गया है 2023 में। देन यहाँ पे ये दूसरा बार जो अप्लाई किया था 7वां महीना में किया गया है 2023 में। यहाँ पे दोस्तों मैं एडवांस फॉर्म 31 का यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप एडवांस फॉर्म 31 कब अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 महीना के बाद यहाँ पे दोबारा ये पीएफ क्लेम किया है, जो कि ये जो पारा होता है यानी कि पर्पस होता है कि कौन से पर्पस से आप निकाल रहे थे, यहाँ पे आउट ऑफ पेंडिंग कोविड-19 ये कोविड-19 के पारा के तहत से यहाँ पे ये 3 महीना के बाद दोबारा फिर से यहाँ पे ये क्लेम कर लिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो कोविड-19 का यहाँ पे जो रहा इसके तहत 3 महीना के बाद ही यहाँ पे दोबारा पीएफ का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 महीना से पहले आप यदि क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आज आपका क्लेम सेटल हुआ फिर आप 10 से 15 दिनों के बाद फिर से आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो इसका जो पेंडिंग क्लेम्स है यहाँ पे पेंडिंग क्लेम में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ये फिर से क्लेम किया है जो कि 15 तारीख की ये 9वां महीना, और इसका यहाँ पे देख यहाँ पे ये 7वां महीना में ऑलरेडी निकाला हुआ, तो यहाँ पे इसका सिर्फ 2 महीना हुआ और ये फिर से यहाँ पे क्लेम किया है जो कि फिलहाल अभी इसका पेंडिंग में, और मैं बता दूं कि ये जो पेंडिंग में इसका सेटल्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3 महीना नहीं पूरा हुआ फिर भी ये 2 महीना के अंदर में ये फिर से दोबारा ये कैसे निकाल पा रहा है, तो यहाँ पे देखता है ये पारा इसका सेलेक्ट किया गया जो कि दोबारा मैं यहाँ पे जब अप्लाई किया तो इनलेस का यहाँ पे इनलेस के जरिए से ये यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, अब यहाँ पर मैं क्लियर आपको करता हूँ कन्फ्यूजन कि आप आखिर कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस बंदा ने ये वाला जो पा रहा है इसके तहत सिर्फ यहाँ पे एक ही बार निकाला है 1 महीना में, यानी कि 3 महीना के अंदर में एक ही बार निकाला है। यदि आप यहाँ पे 1 महीना के अंदर में फिर दोबारा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे है, आप यदि ईपीएफओ जो ऑफिशियल वेबसाइट है यदि यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये पारा को यहाँ पे चेंज कर लेना और आपको सेलेक्ट करना है ये वाली इलनेस वाली। फर्स्ट में आपको जब अप्लाई कीजिएगा तो ये आउट ऑफ पेंडिंग कोविड-19 दिखाया जाएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा तो आप 3 महीना के बाद ही आप फिर दोबारा अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे पारा चेंज करना पड़ेगा, और ये इनलेस वाली जो है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आप दोबारा कर सकते हैं। एक यहाँ पे पारा के तहत आप 3 महीना के बाद ही आप एक बार निकाल सकते हैं, और दूसरी वाला पारा के तहत आप यहाँ पे फिर आप दूसरा बार निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप पीएफ का पैसा दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि 1 महीने के अंदर में ही 2 बार पीएफ क्लाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे पारा दूसरा चेंज कर लीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा निकालने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे टॉप यहाँ पे जो पारा है आउट ऑफ पेंडेमिक COVID-19 और यहाँ पे एक इलनेस, ये दोनों पारा के तहत आप यहाँ पे पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं बहुत ही कम दिनों के अंदर में, दोबारा तीसरा बार भी चौथा बार भी। इलनेस पारा के जरिए से यहाँ पे आप एडवांस में पीएफ का पैसा हर एक मंथ भी निकाल सकते हैं, आपका सेटल हो जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे पीएफ अकाउंट में अमाउंट आपका अवेलेबल रहना चाहिए, देन आप यहाँ पे पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं कितना बार भी यहाँ पे 1 साल के अंदर में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना था, फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, तो बेहिचक आप अपना जो भी आपका मन में डाउट है हमारे कॉमेंट